मेरे पीछे आप जो ये पानी देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये कराची का साहिल है, बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये किमाड़ी है, बिल्कुल नहीं। और इनकी जगह जो है ना, वो जगह काफी खौफनाक सी जगह है। ओए होए। और रिक्शे की छत बड़ी खूबसूरत है कि आपका हाथ ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन मछली खाने से पहले अगर आपको ऐसा माहौल मिल जाए तो क्या बुरा है यार। ये पल्ला मछली है और पल्ला मछली अभी हम खाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा भाई, आज की वीडियो का प्लान तो मैंने कुछ अलग ही बना लिया है। मैंने बस सोचा यार, सुबह सुबह एक ऐसा प्लान बनाओ कि जो ये सारे मेरे दोस्त हैं उनको मज़ा आ जाए ये वीडियो देख के। अभी मजा आएगा ना वीडियो। प्लान मैंने ये किया है कि मैं कराची से जा रहा हूँ हैदराबाद, वो भी पल्ला मछली खाने। कितना नाम सुना है हमने पल्ला मछली का, पल्ला मछली। सिंधु दरिया के किनारे, जी हाँ, चिली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे। तो बस मैंने जी इन ड्राइव अभी ऑर्डर कर दी है, थोड़ी देर में वो घर पर आ जाएगी और फिर यहाँ से मैं जाऊँगा पहले लालू खेत और उसके बाद जो है मैं वहाँ से करूँगा एक हाईएस्ट और हाईएस्ट से बैठ के जाएंगे हम जामशोरो। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस होगा इस तरह से मछली खाने का, मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिर चले सिंधु दरिया के किनारे पल्ला मछली खाने, तो फिर हो जाए। चलें जी, गाड़ी जो ऑर्डर की थी वो भी आ गई है, वो आ रही मेरे पीछे सफ़ेद कलर की गाड़ी। तो बस इस गाड़ी में बैठेंगे और पहुँचेंगे उस गाड़ी के पास जिसमें बैठ के हमने हैदराबाद जाना है। अच्छा, तो गाड़ी में मैं बैठ गया हूँ जो मैंने ऑर्डर की थी इन ड्राइव से। तो बस आप लोगों ने करना यह है कि आपने साथ रहना है और इस सफ़र को इंजॉय करना है। बाकी मछली मैंने इंजॉय करनी है, लेकिन आप लोगों को देखना ज़रूर है। चलें जी, मैं पहुँच गया हूँ लालू खेत और लालू खेत पर ऐसा कुछ माहौल होता है भाई। ये गाड़ी है मेरी जिसमें मैं जाऊँगा और यहाँ पे ये लोग ये खड़े हैं, मतलब गाड़ी भर रहे हैं, चलो भाई। तो ऐसा कुछ माहौल होता है गाड़ी के अंदर जब आप हैदराबाद जा रहे होते हो। तो मैं आगे सीट पे बैठा हूँ और पीछे जो है गाड़ी पूरी भर गई है और बस अभी थोड़ी देर में चलना शुरू हो जाएगी और फिर आपको मैं दिखाऊँगा कराची से हैदराबाद की सड़कें, कराची से हैदराबाद के नज़ारे। और जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये वीडियो बहुत मज़े की बनने वाली है, तो मैं कराची से निकला और मैं पहुंचा हूं अभी जामशोरो बाईपास। और यहां पे भाई रिक्शा हमने लिया है जामशोरो बाईपास से और रिक्शे में बैठ के हम अपने एक दोस्त के पास जाएंगे और फिर वहां से चलेंगे मछली खाने। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। अच्छा हाल आए? हाल अच्छे आए तो भाई डाडो सुठो आए। तो भाई हम बस रिक्शे में बैठेंगे और जाएंगे जी अपनी मंजिल पे अपने दोस्त के पास और उसके बाद फिर जो है आगे हम चलेंगे। चलें पापा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलो भाई, ये भी एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, इसका अपना मज़ा है। और रिक्शे की छत बड़ी खूबसूरत है कि आपका हाथ ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। और अभी मैं मौजूद हूँ जामशोरो पाठक है यार, ये जामशोरो पाठक है जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ। और अभी यहाँ से हम जाएंगे मछली खाने और दरिया में भी जाएंगे, सिंधु दरिया में। और मेरे साथ होगा साजन। साजन, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। और मैं दानियाल आज एक ऐसी जगह पे आया हूँ जिसको देख के मैं तो बिल्कुल ही हैरान हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हैरान आप भी हो। मेरे पीछे आप जो ये पानी देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये कराची का साहिल है, बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये किमाड़ी है, बिल्कुल नहीं। ये जामशोरो है मेरी जान। और यहाँ पे ये दरिया सिंध है। और ज़रा मैं आपको करीब से दिखाऊँ ना यार, ज़रा लेवल चेक करें आप ज़रा। शाम का टाइम है, बिल्कुल सूरज गुरूब होने वाला है और इतना खूबसूरत जो है ये मंज़र है। और मैंने मंज़र क्यों बोला है, क्योंकि वहाँ पे अल मंज़र रेस्टोरेंट है जहाँ से हम मछली खाएंगे। ये सारे मंज़र देखने के बाद दरिया सिंध, यार देखो मछली तो खाएंगे, मछली का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मछली खाने से पहले अगर आपको ऐसा माहौल मिल जाए तो क्या बुरा है यार। सीन ऑन है भाई, मतलब देखने लायक है।
साथ में यहाँ पानी चल रहा है और आपका दोस्त जो यहाँ बैठ के फुल एंजॉय कर रहा है। तो भाई सिर्फ कराची के समंदर नहीं है, सिर्फ जो है मनोड़ा नहीं है, किमाड़ी नहीं है, इसी तरह से ये जो और भी जगह है इनको भी एक्सप्लोर किया करो। घर नहीं बैठा करो, गाड़ी स्टार्ट करो और यहाँ पे आओ, जाम छोड़ो, नो लाइफ जैकेट नथिंग। तो भाई गिरूंगा तो नहीं ना? नहीं, इंशाल्लाह नहीं गिरूंगा। तो भाई यहाँ पे अपने टाइम को मैं तो खूब इंजॉय करने आ रहा हूँ। मेरे पीछे आप ये जो दरवाजे देख रहे हैं ना, इसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब पानी वहाँ पे भर जाता है दरिया सिंध के अंदर, तो वो पानी थोड़ा यहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं कि फिर यहाँ पे वो बैलेंस हो जाता है पानी। वाह भाई वाह, मुझे तो वो गाना याद आ गया, ओ माझी रे, ओ माझी रे। तो यार यहाँ पे आने के बाद आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, कम नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे जो अच्छा मौसम भी यहाँ पे प्लेजेंट हो गया है। दोपहर में काफ़ी गर्मी होती है और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ यार, यहाँ पे काफ़ी कुछ है इंजॉय करने के लिए। अभी आपने मुझे देखा कि मैंने दरिया के अंदर गया बोट पे बैठ के, अब इसी तरह से ये मैं घोड़े पे बैठने वाला हूँ। पहले सीधा पैर रखूँ कि उल्टा पैर? सीधा पैर रखूँ। अच्छा भाई सीधा पैर रखा और ये थोड़ी खैर, और भाई घोड़े पे मैं चल गया हूँ। ले आओ भाई ले आओ, अब तुम ये बताओ इसको भगाना है या चलाना है? अब हल्के 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 भाई, हल्के 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 भाई, ढीला छोड़। अच्छा अच्छा भाई, तरीका ये है कि रस्सी ढीली रखो। और आपने भाई यहाँ पे घोड़ सवारी करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। वैसे मेरा मूड तो बहुत है कि मैं घोड़े को भगाऊं, लेकिन नहीं, आराम से चलाता हूँ। अच्छा भाई तुम लोगों ने देख लिया मुझे किश्ती के अंदर दरिया सिंध के अंदर, तुम लोगों ने मुझे घोड़ा चलाते हुए भी देख लिया। ये सब काम मुझे आते हैं, मैं बताता नहीं था, लेकिन अब जो मैं काम करने आया हूँ जो मुझे शानदार आता है वो है खाना। अब हम खाएंगे अल मंजर की मछली। ये है वो रेस्टोरेंट जाम शोरों का मशहूर, जिसकी पल्ला मछली भाई बड़ी तारीफ होती है। तो ये पल्ला मछली हम यहाँ की खाएंगे, और जिसने भी इसका नाम रखा है ना अल मंजर, बड़ा सोच के रखा है। आप अगर ज़रा ये व्यू देखें, मंजर का मतलब व्यू, तो ये मगरिब के टाइम जब ये सनसेट होता होगा, जब सूरज ग़ुरूब होता होगा, तो बहुत ही कोई खूबसूरत ये लगता है। आप अभी ऑरेंज देख रहे होंगे स्काई। ये ओपन जगह है, यहाँ पे जो है घास पे इन्होंने कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, उसके ऊपर टेबल रख के यहाँ पे लोग आराम से बैठ के खा रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊँ कि हमने ऑर्डर क्या करना है, ये भी तो बात कर लें। ये मेरे ख्याल से बंदा खड़ा है अकेला, यही लग रहा है ऑर्डर लेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह भाई, बड़ा नाम सुना है आपकी मछली का हमने यार। जी जी यार। कौन सी मछली आपकी खास होती है? यहाँ पे पल्ला और रोहू मछली जो है वो ही खास होती अच्छा, है। अच्छा, तो ये दरिया की मछली है दोनों? जी जी हाँ, ये दोनों दरिया की मछली, दोनों दरिया की मछली है। अच्छा, पल्ला के बारे में तो हमने सुना है कि पल्ला पानी के मुखालिफ भागती है। हाँ बिल्कुल, पल्ला वैसे समंदर की पैदावार है। अच्छा, लेकिन इसकी शक्ल चेंज होती है दरिया पे, मीठे पानी पे आके। अच्छा हाँ, जैसे ये मीठा पानी जाके मिलेगा समंदर से, तो पल्ला वहाँ से आएगा, फिर ये जितना सफर करेगा उससे उसकी साइज भी बढ़ेगी और अच्छा, उसमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट भी आएगा। तो आप हमें रोहू खिला रहे हो या पल्ला खिला रहे हो? मैं आपको पल्ला भी खिला रहा हूँ और रोहू भी खिला रहा हूँ। अभी जो है वो तकरीबन 4,000 से शुरू होता है, 3,000 तक का पर पीस। अच्छा, तो भाई हम इनसे पल्ला लेते हैं, और आपने अगर पल्ला खाना है तो ये कह रहे हैं पल्ले का सीजन अभी ऑफ है। हाँ, बारिश होंगी तो फिर आ जाएगा। हाँ, जब पानी आएगा तो उसके अच्छा, जब पानी आएगा तो पानी के साथ आते हैं। समंदर की मछली होती है। मैं आपको जगह दिखा दूं अल मंजर की, जहाँ पे ये बना रहे हैं मछली। अच्छा, ये तवा है आपका? अच्छा भाई, ये इनका तवा देख लें, ये 1960 में बना था ये तवा। कितना पुराना है भाई ये तवा? जरा क्या तड़पाया ये पल्ला थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कि ये पल्ला कैसे बन रही है, तो ये देख लें, ये सीधा सा इनका तवा है। इस तवा पे जो है ये पल्ला मछली को ये फ्राई कर रहे हैं, और यहाँ धुआं काफ़ी है तो मेरी आंखों में लग रहा है, तो इससे बेहतर है भाई कि खाने से पहले कहीं मेरी आंखें ख़राब ना हो जाएं, तो यहाँ से ज़रा निकलता हूँ। और इनकी जगह जो है ना, वो जगह काफ़ी खौफनाक सी जगह है, यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है और अभी लाइट नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पे मसला होगा जाम शोरों वगैरह में लाइट। लेकिन यार गर्मी काफ़ी हो रही है, मुझे लगा था कि शायद शाम थोड़ी बेहतर होगी, अभी भी ऐसी गर्मी हो रही है ना, मतलब अक्टूबर ख़त्म हो गया है लेकिन गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये देखें जी, पीछे ये ग्रिल हो रही है, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पूरे सिंध के अंदर दानियाल अकेला है जो आज इनके पास खाने आए हैं, अभी तक किसी का ऑर्डर नहीं लगा है। भाई आ गया, आ गई भाई, आ गई पल्ला मछली, आ गई पल्ला, आ गई है। अच्छा भाई,
ये पल्ला मछली देख लो और मसालों में डूबी हुई है। मसाले चेक कर रहे हैं आप इसके? अबे यहाँ पे मच्छर वच्छर आ गए, लाइट मारी तो ये तो अजीब मॉल हो गया भाई। ये मतलब ये जो लाइट हम लाए हैं, ये लाइट आप इस पर मत मारना वरना यहाँ पे मच्छर आ जाएंगे, क्योंकि दरिया है ना बराबर के अंदर, तो शायद इसलिए निकल कर आ गए, तो लाइट बंद कर लो, नहीं तो थोड़ी देर में शायद ड्रैकोला भी निकल के ना आ जाए यहाँ पे। अच्छा भाई, पल्ला मछली आ गई है, ये है पल्ला मछली। और पल्ला मछली के साथ साथ इन्होंने ये दो अदद आनी भी दिया है। आनी का मतलब होता है अंडे, मछली के अंडे भी इन्होंने दिए हैं हमें। अच्छा भाई, पल्ला मछली के लिए अच्छा इन्होंने साथ ही चपाती दी है, और इस चपाती को हम बिस्मिल्ला पढ़ते हैं सबसे पहले तो। और भाई लाइट खुलते ही आपने देखा मक्खियों और इनका हमला हो गया यार। ये यहाँ पे ये चीज़ सोच समझ के आना कि भाई यहाँ पे, अच्छा ये देखें जी, पहले ही जो मैंने निवाला लिया उसके अंदर पहले में ही कांटा आ गया। ये इतना बड़ा जो है, इसमें पूरी कंघी तो नहीं है, बीच के अंदर ये जो पूरी कांटा है ये उठा लिया मैंने। और अब मैंने वैसे सुना यही है कि इसके अंदर कांटे काफ़ी होते हैं, तो इतने अंधेरे में मैं खाऊंगा कांटे तो कहीं ये मेरे लग ना जाए। खैर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अल्लाह का नाम लेके खाते हैं, और ये इस चटनी के अंदर डिबोते हैं, चटनी में डिबोई और अल्लाह मछली वाह भाई वाह। अबे मक्खियाँ मच्छरों का क्या क्या करूँ मैं यहाँ पे, जो टेस्टी तो है भाई। भाई कुछ मच्छरों का भी तो करो, पंखा वंखा लगा दे यार कुछ। भाई हमने रिक्वेस्ट की है कि कुछ मच्छरों का करो वरना हम खाएंगे कैसे, इंजॉय कैसे करेंगे। अच्छा मैं हाथ से खा रहा हूँ ये ट्राउट मछली। अब ये देखो इतने इतने से कांटे हैं, इतने इतने से बिल्कुल पतले पतले कांटे होते हैं इसके अंदर भाई। और बिल्लियाँ मेरे इर्द गिर्द नीचे फिर रही हैं। आप बोल लोगे समझ नहीं आ रहा दानियाल तारीफ़ कर रहा है या तारीफ़ नहीं कर रहा। अच्छा एक चीज़ और इन्होंने जो दी है पल्ला के साथ, वो दी है आनी। आनी इस मछली के अंडे, ये मछली के अंडे हैं जो मैं खाने लगा हूँ, और इसको मैं ऐसे करके तोड़ूंगा। मछली के अंडे, कलेजी लग रही है मुझे। तो भाई ये कुछ माहौल है अल मंजर पे। कराची से आए हम मछली खाने, इंजॉय किया अपना टाइम। तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ अगर इंजॉयमेंट करनी है तो फैमिली भी आना है तो आप लोग आ सकते हैं, काफ़ी कुछ है। और सर्दी आने देना भाई, नवंबर स्टार्ट हो गया लेकिन सर्दियाँ नहीं है, दिसंबर के एंड तक अगर सर्दी आ जाए तो यहाँ पे आना, क्योंकि इतनी गर्मी में यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए, सर्दियों में आओ। तो चले जी, वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को फैला दो।